मयापुरी न्यूज़ में आपका स्वागत है, मैं हूं छवि। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसका जवाब इसी बुलेटिन में होगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा आज का सवाल है, किसके साथ डिनर करने गई दीपिका पादुकोण? फैमिली संग मालदीव पहुंचे शाहरुख खान। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान अपने बच्चों आर्यन खान, सुहाना खान और अब्राहम खान के साथ मालदीव पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटोज में किंग खान अब्राहम का हाथ थामे एयरपोर्ट से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान सुहाना और आर्यन उनके पीछे नजर आ रहे हैं। मालदीव से सामने आई तस्वीरों में शाहरुख खान जीन्स और सफेद रंग की स्वेट शर्ट में नजर आ रहे हैं। उनके साथ अब्राहम काले रंग की पैंट और सफेद रंग की टी शर्ट पहने चल रहे हैं। बिहारी भाषा सीखने के लिए ऋतिक रोशन को करनी पड़ी मेहनत। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म सुपर 30 इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है। इस फिल्म में ऋतिक बिहार के फेमस गणितज्ञ आनंद कुमार की भूमिका में है। आनंद कुमार बिहार के हैं, इसलिए ऋतिक को भी बिहारी भाषा सीखनी पड़ी और बड़े पर्दे पर ऋतिक पहली बार बिहारी भाषा बोलते नजर आए। लेकिन इस भाषा को सीखने में ऋतिक को लगभग 2 महीने लग गए। हाल ही में ऋतिक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें दिखाया गया कि उनको इस भाषा को सीखने के लिए क्या क्या करना पड़ा। न्यूड सीन को लेकर फिल्म मेकर्स पर हुई एफआईआर दर्ज। साउथ इंडियन एक्ट्रेस अमाला पॉल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। इस बार उनकी फिल्म अड़ाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि अमाला की इस फिल्म में उनका एक न्यूड सीन है, इसलिए ये फिल्म अश्लीलता को बढ़ावा देती है। शिकायतकर्ता ने कहा, इस फिल्म के जरिए तमिल कल्चर को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शिकायत के बाद उन्होंने कहा कि मैंने डीजीपी से भी फिल्म के मेकर्स के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की थी, क्योंकि फिल्म के प्रमोशन के लिए प्रयोग किए जा रहे न्यूड पोस्टर्स बच्चों को भी प्रभावित करेंगे। फिल्म अदाई के मॉर्निंग शो हुए कैंसिल। काफी समय से विवादों में छाई अमाला पॉल की फिल्म अदाई सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। मूवी में अमाला पॉल के न्यूड सीन्स की चर्चा है, हालांकि इन्हें लेकर विवाद भी गरमाया हुआ है। खबर है कि कई जगहों पर आखिर वक्त में अदाई के मॉर्निंग शोज को कैंसिल किया गया है। तमिलनाडु और दूसरे ओवरसीज लोकेशंस में मूवी के मॉर्निंग शोज को रद्द कर दिया गया। दरअसल थिएटर्स को केडीएम की नहीं मिली, जो कि एग्जिबिटर्स को फिल्म का एक्सेस करने के लिए चाहिए होती है। फिलहाल मूवी के दूसरे शोज की स्थिति पर भी संशय बना हुआ है। रणवीर कपूर संग डिनर करने पहुंची दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण अपने एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ डिनर करने प्यार का पंचनामा फेम डायरेक्टर लव रंजन के घर पहुंची। ऐसी खबरें हैं कि ये जोड़ी जल्द ही साथ फिल्म में नजर आने वाली है। दीपिका की ये तस्वीरें उस वक्त क्लिक की गईं जब वो डायरेक्टर लव रंजन के घर से निकल रही थी। बता दें कि इस जोड़ी ने काफी समय तक एक दूसरे को डेट किया था, उसके बाद दोनों की राहें बदल गईं। इन दिनों रणबीर कपूर आलिया भट्ट को डेट कर रहे हैं, तो वहीं दीपिका रणवीर सिंह से शादी कर चुकी हैं। पहले भी खूब बदनाम हो चुके हैं एजाज खान। बिग बॉस कंटेस्टेंट रहे एजाज खान एक बार फिर मुसीबत में घिर गए हैं। टिकटॉक पर एक विवादित वीडियो की वजह से एजाज को मुंबई साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एजाज खान ने अपनी गर्लफ्रेंड एंड्रिया से शादी की थी। इस शादी से एक बेटा भी है जिसका नाम अलेक्जेंडर है। खबरों के मुताबिक एजाज का अपनी पत्नी से तलाक हो गया है, दोनों साथ नहीं रहते। एक्टिंग में आने से पहले एजाज खान ने लंदन और न्यूयॉर्क में टैक्सी ड्राइवर के तौर पर भी काम किया है। बता दें कि एजाज खान कई बॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज में नजर आ चुके हैं। एजाज ने अपना टीवी करियर जी टीवी के शो करम अपना अपना से शुरू किया था। इसके अलावा वो क्या होगा निम्मो का, रहे तेरा आशीर्वाद जैसे शोज में भी नजर आए हैं। एजाज ने रक्त चरित्र, नायक जैसी कई फिल्मों में काम किया है। टीवी सीरियल की बात करें तो एजाज फियर फैक्टर, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल जैसे फेमस शो में नजर आ चुके हैं। बेटियों संग फिर हॉस्पिटल पहुंचे अर्जुन रामपाल। बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल गुरुवार को तीसरी बार पिता बने। उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला ने बेटे को जन्म दिया है। शुक्रवार के दिन एक्टर को अपनी दोनों बेटियों के साथ फिर से हिंदुजा अस्पताल के बाहर देखा गया। अस्पताल के बाहर तीनों कैजुअल आउटफिट में नजर आए। तीसरी बार पिता बनने पर अर्जुन रामपाल को बॉलीवुड सेलेब्स और फैंस की तरफ से सोशल मीडिया पर बधाई संदेश मिल रहे हैं। अभी तक अर्जुन और गैब्रिएला ने बेटे का नाम तय नहीं किया है। बातचीत में एक्टर से जब बेटे के नाम को लेकर सवाल पूछा गया तो एक्टर ने कहा, अभी नहीं सोचा है, सोच रहे हैं। गुरुवार को जैसे ही गुड न्यूज़ आई, अर्जुन रामपाल की दोनों बेटियां अस्पताल पहुंच गई थीं। गैब्रिएला के पेरेंट्स भी नन्हे मेहमान को देखने अस्पताल पहुंचे थे। माहिका और मायरा अर्जुन और उनकी एक्स वाइफ महर जैसिया की संतान है। माहिका और मायरा अपने पिता के काफ़ी करीब हैं। एक इंटरव्यू में एक्टर ने बताया था कि उनकी बेटियों ने गैब्रिएला को अपना लिया है। सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली लिस्ट में शामिल हुए
शाहरुख, सलमान, दीपिका, प्रियंका और अमिताभ। दुनिया भर में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वालों की लिस्ट हाल ही में पेश की गई है। ये लिस्ट यूगॉव ने पेश की है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर देश के कई बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हैं। इस लिस्ट में भारतीय एक्टर्स की लिस्ट में बिग बी का नाम सबसे ऊपर है, जिसके बाद शाहरुख और सलमान का नाम शामिल है। ग्लोबल रैंकिंग में इस लिस्ट में अमिताभ बच्चन का नाम 12वें स्थान पर है, वहीं शाहरुख खान 16वें स्थान पर और सलमान खान 18वीं पोजीशन पर हैं। बात करें महिलाओं की तो बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इस लिस्ट में 13वें स्थान पर हैं। इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा ने यहां 14वीं पोजीशन हासिल की है। इनके अलावा ऐश्वर्या राय बच्चन और सुष्मिता सेन इस लिस्ट में नए दावेदार के रूप में उभर कर आए हैं। उनका स्थान 16वें और 17वें नंबर पर है। बेटे संग यू टाइम बिता रहे हैं अर्जुन रामपाल, शेयर की पहली फोटो। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे की पहली झलक शेयर की है। तस्वीर में पापा अर्जुन ने बेबी को गोदी में उठाया हुआ है। बेबी को देखकर अर्जुन रामपाल कितने खुश हैं, ये तो उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है। अर्जुन रामपाल अपने बेबी बॉय के लिए टेडी बियर लेकर मिलने गए थे। उन्होंने अपने बेटे को फर्स्ट गिफ्ट टेडी बियर दिया है। सोशल मीडिया पर बेटे संग अर्जुन रामपाल की फोटो तेजी से वायरल हो रही है। भजन सम्राट अनूप जलोटा की मां का हुआ निधन। जादुई आवाज के मालिक भजन सम्राट अनूप जलोटा की ओर से एक दुखद खबर सामने आई है। आज सुबह अनूप जलोटा की मां कमला जलोटा का निधन हो गया है। मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। 85 साल की कमला जलोटा बीते कुछ समय से बीमार थी। कमला जलोटा का निधन कैसे हुआ, इसको लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। तापसी पन्नू ने बहन शगुन को गिफ्ट की महंगी कार। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने बहन शगुन पन्नू को उसके बर्थडे पर बेहद महंगी जीप कंपास एसयूवी गिफ्ट की है। इस समय जीप कंपास एसयूवी सेलिब्रिटीज के डिजायर लिस्ट में शामिल है। इस गाड़ी की कीमत लाखों में है। तापसी ने जीप कंपास के लिमिटेड प्लस वेरिएंट को खरीदा है। इस लिमिटेड प्लस की कीमत 21 लाख रुपए है। तापसी ने बहन शगुन को बर्थडे प्रेजेंट देते हुए कंपास एसयूवी गिफ्ट की है। तापसी और शगुन दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं। वैकेशंस पर जाने पर दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। तापसी के वर्क फ्रंट की बात करें तो जल्द ही वो सांड की आंख में भूमि पेडनेकर के साथ नजर आएंगी। इस फिल्म में तापसी ने एक शूटर दादी का रोल प्ले किया है। एक बार फिर बता दें, हमारा आज का सवाल है, किसके साथ डिनर पर गई दीपिका पादुकोण? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। मायापुरी न्यूज में इतना ही, कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।